नगर मेले सुनकर कई लोग हैरान हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले कोई पाबंदी नहीं थी कि रोजगार विभाग रोजगार मेले लगाए ना लगाए। मैं तो अनूप जी को बधाई दूंगा, निरंतर विभाग को मॉनिटर करते करते इस कानून में परिवर्तन लाने का काम किया और रूल बनाया कि हर रोजगार विभाग का अधिकारी, आज हमारे पास 57 रोजगार विभाग के दफ्तर हैं। इसका कैलेंडर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं बनता, 57 के 57 दफ्तरों का कैलेंडर अनूप जी बनाकर भेजते और कंपल्सरी रोजगार मेले का लगाने का काम कर रहे हैं। साथियों, एक चीज जो कई लोगों को हैरानी में देखने को मिलती है कि भाई एचटेट का पेपर तो 50 किलोमीटर करा दिया, ये जो 1,500-2,000 एप्लीकेशन के पेपर थे इनको दूर क्यों कराया गया। साथियों, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जब हरियाणा में 3 ही सेंटर थे तो उसके अंदर शायद आप लोग सबको भी समझ कि हम केंद्रों को नहीं डिवाइड कर सकते, मगर एक चीज हैरानी थी, अब भिवानी कोर्ट के चपड़ासियों की लिस्ट आई और चपड़ासियों की जनरल की सीट थी 6 और 6 में शायद 4 या 5 हरियाणा के बाहर के लगे, तो कई साथी मेरे पीछे पड़ गए, कहते हैं कि क्यों हरियाणा को रोजगार नहीं मिला। अब बता दो, जजों के ऊपर भी कोई कब्जा कर सकता है? आज जुडिशरी के रोजगारों में तो हमारा बस नहीं, मगर ये विश्वास दिला देता हूं जहां हरियाणा सरकार का काम होगा वहां प्राथमिकता हरियाणा के बच्चों को देने का काम आपकी सरकार करेगी। अंत में 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। एक चीज बहुत प्रदेश में देखने को मिलती है और खास तौर पर युवा साथी पढ़े लिखे भी हैं तो भी आकर कहेंगे डीसी रेट लगा दो। भाइयों, थोड़ा इंतजार कर लो, डीसी रेट तो हुड्डा साहब ऐसी शुरू कर कर गए थे कि प्रदेश में आज टीचर भी धरने पर, आज कंप्यूटर टीचर भी धरने पर, अलग अलग विभाग में हजारों कर्मचारी हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक जाकर देख लिया पर उनको पक्का करने की व्यवस्था नहीं बना पाए। ये मेरा विश्वास आप रखना कि प्रदेश के अंदर आने वाले वर्ष के अंदर इतनी नौकरियां निकालेंगे कि फिर डीसी रेट नहीं, पक्की नौकरी की ओर प्रदेश के युवा को लेकर जाने का काम करें।